हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ककोली जी का ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक। मुझे उनका ये मेकअप लुक काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सोचा मैं उनका ये मेकअप लुक क्रिएट करूँ। और ककोली जी कौन है मैं आपको बता देती हूँ। उनका यूट्यूब पर चैनल है ब्यूटीफुल यू के नाम से है। आई एम श्योर आप सभी उनको जानते होंगे। मुझे वो बहुत पसंद है, उनकी मेकअप जो ट्रिक्स होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उनका ये मेकअप लुक आज शेयर किया है। आई रियली होप कि आपको मेरा मेकअप लुक पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ निविया लाइट मॉइस्चराइजर से। ककोली जी ने यहाँ पर यूज़ किया था ओलिविया पेन स्टिक, तो वो मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पर पैनकेक ले रही हूँ। ये कलर स्क्वीन का पैनकेक है और इस स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इस पैनकेक को अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और ये एक वेट स्पॉन्ज लिया है मैंने, गीला कर लिया था। इसे अच्छे से स्क्वीज़ करने के बाद मैं इसे अपने पूरे फेस पर लगा रही हूँ। गाइज, ये बहुत ही अच्छा पैनकेक है, इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो पर जा सकते हैं, बहुत पसंद किया है अपने उस वीडियो को। और नेक्स्ट मैं लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से बस थोड़ा सा अपने फेस को फिनिशिंग दे रही हूँ, बस ताकि जो मेरा मेकअप है फ्लॉलेस लगे एकदम से। और यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूँगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट से लाइट पिंक कलर का शेड, अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करूँगी, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं डार्क पिंक कलर का शेड लेकर अपनी पूरी आईलिड पर लगा रही हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का ये आईलाइनर ले रही हूँ। ये गोल्डन कलर में आईलाइनर है, इसका रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है। आप आई बटन से क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है ये। और ये स्पार्कलिंग में था तो मैंने ये लिया है, ग्लिटर्स मेरे पास गोल्डन कलर में नहीं थे। ये गोल्डन शिमर आई शेडो है, इसे मैं अपनी आईलिड पर लगा लूँगी। और एक्स्ट्रा जो था वो मैंने डस्ट कर दिया है अपने फेस से। और नेक्स्ट मैं ये पिंक कलर का शेड अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लूंगी, हल्का सा इसे ब्लेंड कर लूंगी। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फेसिस कैनेडा का काजल। और ककोली जी ने कोई भी यहाँ पर आईलाइनर वगैरह नहीं लगाया था, तो बस उन्होंने काजल अप्लाई किया था, मैं काजल अप्लाई कर लूंगी। अब मैं यहाँ पर मेबेलिन का मस्कारा लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं अपने फेस को कंटूर कर लूंगी इस कंटूर स्टिक की हेल्प से। ये काफ़ी क्रीमी है, इजीली ब्लेंड हो जाती है। आई नो ये काफ़ी लाइट सा शेड है, बट ऑनलाइन मैंने इसे परचेज़ किया था, उस वक्त इसका शेड कुछ और था, लेकिन वो शेड नहीं निकला जो शेड मैंने सोच के मंगवाया था। वैसे काफ़ी अच्छी क्रीमी स्टिक है ये, इजीली ब्लेंड हो जाती है। नेक्स्ट मैं हुडा ब्यूटी के पैलेट से ये पिंक कलर का शेड लेकर अपना ब्लश लगा लूँगी। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ यहाँ पर। और अब मैं ये ADS की फूशा पिंक कलर की लिपस्टिक है ये लगा लूँगी। इसका रिव्यू भी मैं गाइस मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, पाई बटन पे क्लिक करके इसका रिव्यू देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है ये भी। मेरे पास ककोली जी जैसे उनके जैसे सेम ईयरिंग्स तो नहीं थे, जो मेरे पास थे वो मैंने पहन लिए हैं। गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा आपको। और गाइज अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और गाइज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैंने अपने चैनल पे और भी ज़्यादा अच्छे स्किन केयर है के DIY टिप्स एंड ट्रिक्स मेकअप लुक इंस्पायर्ड मेकअप लुक काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं, तो आप एक बार ज़रूर वीडियो की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
Thank you.